आपको अपना ब्राउज़र में सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है, देन सेटिंग्स में क्लिक करना है। ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, आपको चैनल में सिलेक्ट करना है एंड एडवांस सेटिंग्स में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो सब्सक्राइबर काउंट लिखा हुआ है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये अगर मैं आपको टिक कर देता हूँ तो मेरा सब्सक्राइबर सबको दिखेगा, अनटिक कर देता हूँ तो सब्सक्राइबर किसी को नहीं दिखेगा। तो सब्सक्राइबर यहाँ से डिसेबल या फिर इनेबल किया जा सकता है। अभी यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट जो है यहाँ पे आना है, देन एडवांस सेटिंग्स में क्लिक करना है। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है, यूजर्स कैन व्यू रेटिंग्स फॉर दिस वीडियो, यहाँ पे अगर ये टिक मार्क है मतलब मेरे वीडियो में कितना लाइक या फिर डिसलाइक आया है, ये व्यूअर्स देख सकते हैं। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो वो जो लाइक और डिसलाइक वाला बटन होता है वो वहाँ से चला जाएगा। और अभी तक कोई वीडियो में कितना लाइक और डिसलाइक आया है वो और किसी को नहीं दिखेगा। ये अगर पहले से ऑफ किया हुआ है तो वो जो लाइक और डिसलाइक का बटन है वो दिखेगा ही नहीं। अगर आपका ये टिक रहता है मतलब पहले आपका लाइक और डिसलाइक ऑन है, अगर आपको बहुत सारा डिसलाइक्स आ रहा है तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो और किसी को वो डिसलाइक्स या फिर लाइक्स नहीं दिखेगा। और कमेंट्स को डिसेबल करने के लिए ये कमेंट्स कॉलम के अंदर जो ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे डिसेबल कमेंट्स ऑप्शन है, ये डिसेबल कमेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपका कमेंट सेक्शन जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। एंड वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि कमेंट सेक्शन फॉर दिस वीडियो इज टर्न्ड ऑफ, तो वहाँ पे कोई आपको कमेंट नहीं कर सकता। और कमेंट अगर पहले से बहुत सारा कमेंट्स है तो वो सेक्शन हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये सेटिंग्स सेव हो जाएगा।